फालतू और वजनदार वस्तुएं वो तत्काल समंदर में फेंक दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। एक अमेरिका का यात्री था, उसके पास में बहुत सारे डॉलर्स थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोला हमारे देश में डॉलर्स की कोई कमी नहीं है। एक जापान का आदमी था, उसके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोला हमारे देश में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कोई कमी नहीं है। एक पाकिस्तान का आदमी था, उसके पास में बहुत सारे हथियार थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोला हमारे देश में हथियारों की कोई कमी नहीं है। एक मारवाड़ी भी था, उसने उन तीनों को धक्का दे दिया। अब बात करें कि श्रोता की तालियां जम आप तक पहुंचे तो जहाज के कप्तान ने कहा, ये तीनों तो हमारे मेहमान थे, तूने इन तीनों को धक्का क्यों दे दिया? बोले हमारे देश में आदमियों की कोई कमी नहीं है। अब पुलिस वालों की ड्यूटी थी, नाउ पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नावों से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा यात्रियों की ऐसी की तैसी, पहले हम जाएंगे, हम बचेंगे तभी तो तुम्हें बचाएंगे। अब सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए, अंतिम दृश्य का आप लोग आनंद लेंगे। सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए, ऊपर से यात्री चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। नाव सारी फुल है, एक भी आदमी अगर एक्स्ट्रा बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। ऊपर से यात्री चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से पुलिस वाला बोला पहले 50 का नोट लाओ। यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा, और पुलिस वाले का बलिदान देखो, हिंदुस्तान का पुलिस वाला। यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा, और पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला, भ्रष्टाचार पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, बहुत छोटी सी आप तक पहुंचेगी तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। पुलिस वाले ने 50 का नोट दिया, बोले तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला क्यों बे, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है, $50 के लिए अपनी जान दे रहा है, जान देने के पीछे तेरी क्या वजह है? पुलिस वाला बोला अगर फोकट का माल जेब में हो, करप्शन का माल जेब में हो, तो डूबने में भी मजा है, डूबने